हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज मैं आपको बताऊंगा जो आर प्रोग्रामिंग अभी बहुत पॉपुलर है डेटा एनालिसिस के लिए, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका क्या फ़ायदा है और ये आप पाइथन से कैसे अलग है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर प्रोग्रामिंग कैसे यूज़ होता है और उसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो ये नया सेशन है हमारा, आर प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर इज़ अ लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट फॉर स्टैटिकल कंप्यूटेशन एंड ग्राफिक्स। तो ये लैंग्वेज क्या करती है कि सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपको वहाँ पे स्टैटिकली आपको एक्समाइन करके डेटा देता है ग्राफिकली। लाइक हम जब भी एक्सेल में कुछ डेटा होता है तो हम उसको बार चार्ट या पाई चार्ट और लाइन चार्ट से मदद से आप बना के हम एनालिसिस करते हैं कि ईयर बाय ईयर क्या हुआ है। तो लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो इट इज़ वेरी टिपिकल और टफ टास्क टू हैंडल दिस काइंड ऑफ द डेटा इन एक्सेल। सो इसीलिए इसको बनाया गया हुआ है कि जो भी डेटा है उसको इजीली एनालाइज कर सके हम, कि उसको यूज़ कर सके दूसरी जगह। ये जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप हुई थी 1993 में ऑकलैंड के, वहाँ पे ऑकलैंड के जो दो ऑथर थे रोस इहागा एंड रॉबर्ट जेंटलमैन, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड के थे। और ये जो आर प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है क्योंकि आपको पता है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है वो इजीली और ओपन सोर्स होता है। लाइक एज हम जो लिनक्स है, मैक है, विंडोज़ है, ये सबके लिए ओपन सोर्स है तो इसको कहीं पे भी हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक एज डॉट नेट है या कुछ आप एडोब का कुछ लेते हैं तो यू हैव टू परचेज द लाइसेंस वर्जन, राइट। तो यहाँ पर आपको इसी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी वर्जन है वो आपको दो फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जीयूआई मींस ग्राफिकल एज वेल एज द कमांड प्रॉम्प्ट। आप जो भी तरह से आप यूज़र ब्रांड हो तो आप उसी तरह से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो कि सपोज़ आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे अच्छा है वहाँ पे, तो आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो प्री कंपाइल बाइनरी वर्जन है वो मैंने बताया पहले कि लिनक्स विंडो एंड मैक के लिए भी अवेलेबल है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये जो है वो अफेक्टिव डेटा हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स आप बहुत सारा डेटा हो तो भी ये हैंडल कर सकता है। और दूसरी चीज़ है ऑपरेटर्स जो आपको यूज़ होते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़रूर बहुत सारे एरेस हो गए तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। ये लार्ज है कोहेरेंट इंटीग्रेटेड ऑफ कलेक्शन आर इंटरमीडिएट टूल फॉर डेटा एनालिसिस। मीन्स आपके पास डेटा है और आपको रिजल्ट चाहिए किसी भी फॉर्म में, लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, तो ये इंटरमीडिएट का काम करेगा। और इसमें ग्राफिकल फैसिलिटीज़ भी है जो डेटा एनालिसिस करके आपको आपके ऑन स्क्रीन पे ले सकते हो आप और हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। ये ऐसा डेवलप किया गया हुआ है, ये बहुत सारा सिंपल है और अफेक्टिव लैंग्वेज है जिसमें आप बहुत सारे कंडीशन अवेलेबल है, लूप्स है, यूज़र डिफाइंड रिकर्सिव फंक्शन है और इनपुट आउटपुट फैसिलिटी भी है। तो आप इससे इजीली आप जो भी डेटा एनालिसिस करना चाहते हो तो आप उसे इजीली आप आउटपुट में भी ले सकते हो। तो ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो मैंने एक लिंक दी हुई है कि ये है हमारा, वन सेकेंड, ये जो हमारा मेथड है ये यूआरएल है, यहाँ पे आप ओपन करेंगे जो ये आर प्रोग्रामिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये विंडोज़ के लिए मैंने दिखाया है क्योंकि मेरा जो ओएस है वो विंडोज़ है तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं विंडोज़ में ही करूँगा। और यहाँ पे आपको जो भी हो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। सेकंड, यहाँ में मैंने जो भी लिंक भी दिए हुए हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं वो आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको पूरा आर प्रोग्रामिंग की टूर करवाने वाला हूँ।